नमस्कार, न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शीतल शर्मा। मेरे साथ मेरी सहयोगी रूपाली भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। न्यूज रूम लाइव में आज शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से जो जम्मू कश्मीर से सामने आ रही है, जहां पर एक बार फिर से सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच इस वक्त मुठभेड़ जारी है। और आपको बता दें, पूंछ में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। पहले किश्तवाड़ के अंदर, उसके बाद बारामूला में 3 आतंकवादियों को मार गिराया और अब पूंछ से इसी तरह की खबर सामने आ रही है। जंगल में आतंकियों को वहां पर तलाशा जा रहा है। ऐसे खबरें हैं कि 2 से 3 आतंकवादी इस इलाके में छिपे हो सकते हैं। ये पुंछ के मैंडर इलाके का पूरा मामला, जहां पर देर रात से ही दोनों के बीच इस वक्त जो फायरिंग है या मुठभेड़ है वो जारी है। सेना भी वहां पर सतर्क नजर आ रही है, चारों तरफ से उन आतंकवादियों को घेर दिया है ताकि जल्द से जल्द उन आतंकवादियों को मार गिराया जाए। हालांकि चुनौती बड़ी है क्योंकि इस समय जो है वो वहां पर घना जंगल है और फसलें भी काफी ज्यादा बड़ी हो गई हैं। उसका उठाते हुए वहां पर आतंकवादी छिपने में अभी तक कामयाब हुए हैं, लेकिन सेना जो है वो लगातार उनका सर्च ऑपरेशन करने में जुटी हुई है। रूपाली, बिल्कुल इसी के साथ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। और जहां एक तरफ चुनौती जो है बदलता मौसम और साथ ही साथ घना जंगल बना हुआ है, लेकिन फिर भी तलाशी अभियान जो है वो सुरक्षा बलों द्वारा जारी है और पूरे तरीके से इलाके को खंगालने की कोशिश की जा रही है। ना ही सिर्फ बात की जाए पुंछ की, तो बल्कि जम्मू कश्मीर के अलग अलग एरियाज में इस तरीके के एनकाउंटर बीते 1-2 दिनों में देखने को मिले हैं, जिसके बाद भारी मात्रा में पुलिस फोर्स जो है सर्च ऑपरेशन चला रही है। ड्रोन के जरिए जो है निगरानी रखी जा रही है। इसी में आपको बता दें कि फिलहाल किन किन जगहों पर बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। आपको बता दें, पुंछ में इस वक्त आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। किश्तवाड़ में ये चल रहा है। उधमपुर की अगर बात करें वहां पर भी, राजौरी, और आपको बता दें कि सितंबर में 9 आतंकी अभी तक ढेर किए जा चुके हैं। और राजौरी में घुसपैठ के दौरान 9 सितंबर को 2 आतंकी ढेर किए थे, और 11 सितंबर की अगर बात की जाए तो उधमपुर मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए थे। बिल्कुल, देखिए लगातार सिलसिला जारी है। और 13 सितंबर को कठुआ में 2 आतंकी मारे गए और उसके बाद बारामूला के अंदर 3 आतंकवादियों को 14 सितंबर को मार गिराया है। हालांकि 2 जवान भी किश्तवाड़ के अंदर शहीद हुए। एक बहुत बड़ी क्षति और नुकसान हमारे देश के लिए, लेकिन लगातार अब आतंकवादियों को मार गिराया जा रहा है। ताहिर हमारे साथ इस वक्त पुंछ से हमारे सहयोगी ज्वाइन हो चुके हैं। जरा सीधे ताहिर के पास जाकर इस वक्त की ताजा अपडेट और ताजा हालात क्या वहां पर बने हुए हैं उसको लेकर भी पूरी जानकारी लेंगे। ताहिर, अभी क्या हालात हैं, क्या अभी किस तरह से वहां पर ऑपरेशन चलाया जा रहा है? जी, मैं आपको बता दूं कि कल सिक्योरिटी फोर्सेस का एक स्पेसिफिक इनपुट मिले, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने अगर हम 12 से ज्यादा गांव में जो है सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया। इसी सर्च ऑपरेशन के दौरान जो ही अंधेरा हुआ तो उस वक्त जो है उस इलाके में गोलियों की आवाज जो है वो सुनाई दी गई। गोलियों के साथ साथ अगर हम बात करें तो बड़ी आवाजें भी सुनाई दी गई, जैसे रॉकेट लॉन्चर या बाकी जो आर्म्स एमिनिशन है वो भी इस्तेमाल किया गया है। अभी तक इसके ऊपर ऑफिशियल्स की कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई है। अलबत्त अगर हम वहाँ लोकल्स की माने, लोकल जराए की माने, तो उनका ये कहना है कि पूरी रात जो है वो गोलियां चलती रही है। और अभी अगर सुबह की बात करें तो जो ही सुबह सूरज की पहली किरण निकली, उसके साथ जो है बिल्कुल ताहिर, इसी के साथ क्या कुछ लगता है जिस तरीके से पुंछ और राजौरी की बात की जाए तो बीते कुछ सालों में एक बार आतंकवाद फिर से ज्यादा सक्रिय होता हुआ नजर आया है। कितनी बड़ी चुनौती है सुरक्षा बलों के लिए कि इन आतंकियों को जो है वो घुसपैठ से बचाया जा सके और इन आतंकियों का खात्मा करके इस तरीके की वारदातों को, घटनाओं को और मुठभेड़ों को रोका जा सके। यहाँ ये अगर इसको पीस रीजन माना जाता था राजौरी पुंछ को, लेकिन अब जैसे 3-4 सालों में देखा गया है कि यहाँ जितने भी टेरर यहाँ सामने आए हैं उसके साथ देख जाए तो जो टेरर है राजौरी पुंछ को अपना जो है वो टेरिटरी बना लिया है, क्योंकि यहाँ तो बिल्कुल जल्दी चुनाव बहुत नजदीक है। 18 से चुनाव शुरू होने जा रहे हैं पहले चरण के, और उस बीच चुनाव से ठीक पहले ये गतिविधियां बढ़ना, यानी कुल मिलाकर चुनाव के बीच खलबली पैदा करने की एक कोशिश और प्रयास किया जा रहा है, उसको लेकर क्या कुछ कदम। फिलहाल ताहिर का संपर्क टूट चुका है। बड़ी खबर यूपी से, मेरठ में मौत का आंकड़ा बढ़ चुका है, मृतकों की संख्या बढ़कर 10 पहुंची है। लेकिन मेरठ का हादसा, भयानक हादसा, हादसे में 5 लोगों के घायल होने की सूचना अभी तक मिली है। 3 मंजिला मकान गिरने से ये पूरा हादसा पेश आया है।
और अभी तक फिलहाल 10 लोगों की मौत हो चुकी है। एक ही परिवार के सभी लोग ये बताए जा रहे हैं। कुल मिलाकर 15 लोग इस इमारत में थे जब ये इमारत गिरी। सभी 15 लोगों का रेस्क्यू कर लिया गया, और 5 अन्य लोग जो हैं वो घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें उपचार के लिए फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन बहुत बड़ा हादसा, और हादसे के बाद वहां पर हड़कंप का माहौल देखा गया, क्योंकि हादसा इतना भयानक था। 3 मंजिला इमारत थी, एकदम से ये मंजिला जो है वो भरभराकर वहां पर ध्वस्त हो गई, जिसमें 15 लोग इसकी चपेट में आ गए और 5 इसमें बच्चे भी शामिल हैं, 4 से 5 महिलाएं भी शामिल हैं, और लगभग 10 लोगों की अभी तक रूपाली मौत हो चुकी है। बेहद ही दुखद घटना। बिल्कुल शीतल, इसी के साथ इस घटना की अगर बात की जाए तो साफ तौर पर आपको बता दें, यूपी के मेरठ में ये 3 मंजिला मकान जो है वो गिरा, जिसके बाद परिवार के ही 10 लोगों की मौत जो है वो वाकया हुई है, और 16 घंटे से ये लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, जिसमें आपको बता दें 5 लोगों को रेस्क्यू कर हॉस्पिटल भेज दिया गया है। जो फैमिली और रिलेटिव्स के द्वारा बताया गया था कि उसमें लोग 15 लोग हैं, तो 15 लोगों में से जो लिस्ट दी गई थी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के द्वारा, सभी 15 लोग अब रेस्क्यू हो गए। इनमें से 10 डेथ हुई हैं, 5 लोग अलाइव हैं। 10 जो डेथ्स हैं उसमें से 2 मेल्स हैं, 8 फीमेल्स हैं और 5 बच्चे हैं। तो अभी सभी का बाकी की जो नियमानुसार कार्रवाई है पोस्टमार्टम की और बाकी फॉर्मेलिटीज की वो की जा रही है। उस एरिया को पूरा सील किया जा रहा है और जितना भी डेब्रिस है उसको पूरा निकाला जा रहा है। अभी तक ऑपरेशंस चल रहा है, जब तक पूरा सर्टिफिकेट और सभी चीज़ें इंश्योर ना कर ली जाएगी कि कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है किसी भी व्यक्ति की या किसी भी ह्यूमन लाइफ की, तब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। जैसे ही कंप्लीट होगा हम आप लोगों को अवगत करेंगे। तो आपने सुना स्थानीय प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस पूरे ऑपरेशन को लेकर। अभी फिलहाल वहां पर टीमें मौजूद हैं और जल्द ही राहत जो राशि है वो भी उनको दी जाएगी। फिलहाल विभू गुप्ता संवाददाता हमारे मेरठ से ज्वाइन हो चुके हैं। विभू, क्या अभी सभी लोगों को बाहर निकाल दिया गया है और कितने लोगों की अभी मौत हुई है इस पूरे हादसे में? देखिए शीतल, जो परिवार के लोग थे उन्होंने सूचना दी थी स्थानीय प्रशासन को कि इस जो जरा का भरभरा कर बिल्डिंग गिरी है, इसमें 15 लोग दबे हैं, उन 15 लोगों को रेस्क्यू करके एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने निकाल लिया है। बहरहाल इसमें सबसे दुखद बात यह है कि 10 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं, जिनका उपचार लगातार जारी है। जो मेरठ के जिलाधिकारी हैं दीपक मीणा, उनका साफ तौर पर यह कहना है कि अभी रेस्क्यू ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक यहाँ से पूरा मलबा हटाया ना जाए। इसके अलावा जो मेरठ के सभी आला अधिकारी हैं, कमिश्नर, एडीजी, आईजी, एसएसपी, डीएम, सभी लोग मौके पर हैं, और साथ ही साथ जो एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, ताकि अगर ये घटना हुई है तो इसमें 15 के अलावा और तो लोग नहीं दबे, इसलिए ऑपरेशन अभी तक लगातार जारी है। और जो वहाँ पे मलबा पड़ा है उसे हटाया जा रहा है, इलाके को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। हादसा इतना भयंकर था कि जो आसपास के मकान थे उनकी दीवारों में भी दरारें आ गई हैं। कहीं ना कहीं ये जो साजिद का परिवार है जिसके घर में घटना हुई है उसमें एक ही परिवार के 10 लोगों ने इसमें जान गंवाई है, जिसमें 5 छोटे बच्चे थे, 5 बड़े लोग थे, तो पूरा परिवार कहीं ना कहीं तहस नहस इस पूरे घटनाक्रम में हुआ है। जो ये उत्तर प्रदेश में बारिश पिछले कई दिनों से लगातार पड़ रही है उसी के चलते ये जर्जर मकान था, बरसों पुराना बना मकान था, जो भर भरा कर कल करीब 4:30 बजे के साथ जो लोग अस्पताल में अभी भर्ती हैं उनके लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि अभी 10 लोगों की जो है मौत हो चुकी है परिवार के, लेकिन जो गंभीर रूप से घायल है उनके लिए क्या कुछ फैसिलिटीज सरकार दे रही है? देखिए जो 5 लोग अभी अस्पताल में भर्ती है उनका उपचार जारी है। इसके अलावा अभी जो स्थानीय प्रशासन है वो लखनऊ से कांटेक्ट में है ताकि जो पीड़ित परिवार है इनको उचित मुआवजा दिलाया जा सके। बहरहाल जो 5 गंभीर रूप से जो घायल थे उनके उपचार में डॉक्टरों की टीम जुटी हुई है, स्थानीय प्रशासन जो है वो निगाहबानी बनाया हुआ है उनकी तीमारदारी को लेकर, ताकि उनको जल्द से जल्द उपचार देकर ठीक किया जा सके। विभू, जिस प्रकार से निरंतर उत्तर प्रदेश के अंदर हादसे हो रहे हैं, क्या ये हादसा भी एक जांच का विषय बन सकता है? अगर है तो अभी तक इसको स्थानीय लेवल पे संज्ञान में लिया गया है और क्या इसमें कार्रवाई की जा रही है, जांच की जा रही है?
देखिए, बड़ा सवाल ये है कि रिहायशी इलाके में यहाँ पे भूतल पर डेयरी चल रही थी, जिन विभागों को इन पर ध्यान देना चाहिए था वो आंखें मुंह दे रहे हैं। कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार भी इसमें साफ तौर पर देखने को मिला है। कहीं ना कहीं आप देखा जाता है कि आवासीय क्षेत्रों में कॉमर्शियल गतिविधियां की जाती है। ये घटना जिस गली में हुई वहां पे जेसीबी भी नहीं जा पाई, एम्बुलेंस तक नहीं जा पाई, तो कहीं ना कहीं स्थानीय प्रशासन की भी लापरवाही यहाँ पे है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरह से भारी बारिश के चलते हादसे हो रहे हैं, उससे पहले इन इलाकों में पहले ही जो आवश्यक जरूरतें थी वो पूरी क्यों नहीं कर ली गई, ये भी बड़ा सवाल है। हालांकि जो जिलाधिकारी हैं उन्होंने एक जांच कमेटी भी गठित करने की बात कही है। इसी के साथ मौसम के हवाले से बात की जाए तो अभी भी देश के कई राज्यों में यूपी समेत अलर्ट है। इसी में अगर बात की जाए बाकी लोगों से अब क्या कुछ अपील की गई है, क्योंकि एक बड़ी घटना, एक ही परिवार के 10 लोग जो है मौत के शिकार हो गए, इसके बाद सरकार द्वारा और प्रशासन द्वारा क्या कुछ बाकी लोगों को चेतावनी दी जा रही है, क्या इस तरीके का कुछ काम किया जा रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से उत्तर प्रदेश सहित तमाम राज्यों में भारी बारिश पड़ रही है। कई घंटे पहले मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट आ जाता है। बीते कई घंटों से मेरठ में बारिश पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं जिला प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है कि यदि मकान जर्जर हैं तो उन्हें ठीक करा लिया जाए, या फिर उनसे हटकर दूसरे इलाकों में वो रहें कुछ दिन जब तक बारिश का ये मौसम है। लेकिन 10 लोगों की मौत ने पूरे इलाके को चेताया नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में ये एक मैसेज पहुँचाया है कि ये बारिश जो है ये बेहद दुखदायक साबित हो रही है इस बार, क्योंकि मेरठ में इस मकान के अलावा और भी कई मकान गिरे हैं जिसमें कई लोगों की जान। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विभू, ये तमाम अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। देखिए, बहुत दुखद घटना मेरठ में हुई है और इसी के चलते 10 लोगों की अभी तक मौत हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात होगी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर। झारखंड के अंदर भी अब चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी है, हालांकि घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इस साल के अंत में चुनाव हो सकते हैं। आगामी चुनाव को लेकर फुल एक्शन में भारतीय जनता पार्टी, खुद प्रधानमंत्री मोदी ने इसका जिम्मा संभाला है और आज उनका झारखंड का दौरा रहेगा, गुजरात का दौरा रहेगा और पीएम मोदी ने 6 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने हरी झंडी दिखाने का काम किया है, यानी कुल मिलाकर ये दौरे अब अलग अलग राज्यों में हो रहे हैं। कल प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू कश्मीर का दौरा किया, जम्मू कश्मीर के डोडा में पहुंचे, उसके बाद हरियाणा के कुरुक्षेत्र में उन्होंने एक बड़ी विशाल रैली को संबोधित किया और आज फिर से वो झारखंड के दौरे पर रहेंगे। झारखंड में लोगों को वहां पर बड़ी बड़ी सौगातें मिलेंगी और अभी तक भी वंदे भारत ट्रेनों को जो है वो हरी झंडी दिखा दी गई है और उसके बाद तुरंत प्रधानमंत्री मोदी का गुजरात दौरा भी रहने वाला है। बिल्कुल, इसी के साथ अगर बात की जाए आने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर तो फुल एक्शन में भारतीय जनता पार्टी और बाकी पार्टीज भी दिखती हुई नजर आ रही है। जिसमें बात की जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, तो आज झारखंड और गुजरात का दौरा करने वाले हैं और आपको बता दें कि जमशेदपुर जो है ये जाने वाले थे और रोड शो जो है वो करने वाले थे, लेकिन मौसम के कारण जो है ये रोड शो रद्द करना पड़ा और वंदे भारत ट्रेन जिनकी आपको बता दें कि हरी झंडी दिखाई गई है वो भी ऑनलाइन मीडियम के थ्रू दिखाई गई, क्योंकि मौसम के चलते ये दौरा वहां पर स्थगित कर दिया गया। फिलहाल आपको बता दें कि अगर उद्घाटन को लेकर बात की जाए तो साफ तौर पर हरी झंडी दिखाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से, और भारी भीड़ जो है वो उमड़ी थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, लेकिन मौसम के चलते जमशेदपुर का ये दौरा स्थगित करना पड़ा और रोड शो भी जो है वो रद्द कर दिया गया। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने हरी झंडी दिखाई। अन्नपूर्णा देवी जी, संजय सेठ जी, सांसद विद्युत महतो जी, राज्य सरकार के मंत्री इरफान अंसारी जी, झारखंड भाजपा के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन के अध्यक्ष सुदेश महतो जी, विधायकगण, अन्य महानुभाव भाई और बहनों, मैं बाबा बैद्यनाथ और बाबा बासुकीनाथ के चरणों में प्रणाम करता हूं। मैं भगवान बिरसा मुंडा की वीर भूमि को भी नमन करता हूं। आज बहुत ही मंगल दिन है, इस समय
झारखंड में प्रकृति पूजा के पर्व कर्मा की उमंग है। इस समय आज सुबह जब मैं रांची एयरपोर्ट पर पहुंचा तो एक बहन ने कर्मा पर्व के प्रतीक इस जावा से मेरा स्वागत किया। इस पर्व में बहनें अपने भाई की कुशलता की कामना करती हैं। मैं झारखंड के लोगों को कर्मा पर्व की बधाई देता हूं। आज इस शुभ दिन झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार और इस सबके साथ साथ झारखंड के हजारों लोगों को पीएम आवास योजना के तहत अपना पक्का घर। मैं झारखंड की जनता जनार्दन को इन सभी विकास कार्यों के लिए बधाई देता हूं। इन वंदे भारत ट्रेनों से जो और राज्य से भी जुड़ रही है मैं उन सभी को भी बधाई देता हूं। साथियों, एक समय था जब आधुनिक सुविधाएं, आधुनिक विकास देश के केवल कुछ शहरों तक सीमित रहता था। झारखंड जैसे राज्य आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और विकास के मामले में पीछे छूट गए थे, लेकिन सबका साथ सबका विकास के मंत्र ने देश की सोच और प्राथमिकताओं को बदल दिया है। अब देश की प्राथमिकता देश का गरीब है। अब देश की प्राथमिकता देश का आदिवासी है। अब देश की प्राथमिकता देश का दलित, वंचित और पिछड़ा समाज है। अब देश की प्राथमिकता महिलाएं हैं, युवा हैं, किसान हैं। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मिल रहा है। साथियों, आज तेज विकास के लिए हर राज्य, हर शहर वंदे भारत जैसी हाईस्पीड ट्रेन चलाता है। अभी कुछ ही दिन पहले मैंने उत्तर और दक्षिण के राज्यों के लिए 3 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई थी और आज टाटानगर से पटना, टाटानगर से उड़ीसा के ब्रह्मपुर, राउरकेला से टाटानगर होते हुए हावड़ा, भागलपुर से दुमका होते हावड़ा, देवघर से गया होते हुए वाराणसी और गया से कोडरमा, पारसनाथ धनबाद होते हुए हावड़ा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की सेवा शुरू हुई है। और अभी जब मंच पे आवास वितरण का कार्यक्रम चल रहा था उसी समय मैंने झंडी दिखा करके इन सभी वंदे भारत ट्रेनों को विदाई भी दे दी और वो अपने गंतव्य स्थान पर चल पड़ी है। पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से इस पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इन ट्रेनों से कारोबारियों को, छात्रों को लाभ होगा। इससे यहां आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियां भी तेज होगी। आप सभी जानते हैं आज देश और दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु काशी आते हैं। काशी से देवघर के लिए वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा होगी तो उनमें से बड़ी संख्या में लोग बाबा वैद्यनाथ के भी दर्शन करने जाएंगे। इससे यहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टाटानगर तो देश का इतना बड़ा औद्योगिक केंद्र है, यातायात की अच्छी सुविधा यहां के औद्योगिक विकास को और गति देगी। पर्यटन और उद्योगों को बढ़ावा मिलने से झारखंड के युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। साथियों, तेज विकास के लिए आधुनिक रेल इंफ्रास्ट्रक्चर उतना ही जरूरी है। इसलिए आज यहां कई नए प्रोजेक्ट भी शुरू किए गए हैं। मधुपुर बाईपास लाइन की आधारशिला रखी गई है। इसके तैयार होने के बाद हावड़ा दिल्ली मुख्य लाइन पर ट्रेनों को रोकने की जरूरत नहीं होगी। बाईपास लाइन शुरू होने से गिरिडीह और जसीडीह
कि बीच यात्रा की भी कभी समय कम हो जाएगा। आज हजारीबाग टाउन कोचिंग डिपो की भी आधारशिला रखी गई है, इससे कई नई ट्रेनें सेवाओं का शुरू करने में सुविधा होगी। कुरफुरा से कनाड़ोवा तक रेल लाइन का दोहरीकरण होने से झारखंड में रेल कनेक्टिविटी और मजबूत हुई है। इस सेक्शन से दोहरीकरण का काम पूरा होने से अब स्टील उद्योग से जुड़े माल की ढुलाई और आसान हो जाएगी। साथियों, झारखंड के विकास के लिए केंद्र सरकार ने राज्य में निवेश भी बढ़ाया है और काम की गति भी तेज की गई है। इस साल झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया है। अगर हम इसकी तुलना 10 साल पहले मिलने वाले बजट से करें तो ये 16 गुना ज्यादा है। रेल बजट बढ़ने का असर आप लोग देख रहे हैं। आज राज्य में नई रेल लाइन्स बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। साथियों, आज यहां झारखंड के हजारों लाभार्थियों का पक्का घर बनाने के लिए पहली किस्त जारी की गई है। पीएम आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई है। हमें याद रखना है, जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है। वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ भी ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है। उसे लगता है कि कुछ भी संकट हो तो भी उसके पास एक अपना घर तो रहेगा ही। और इसे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। साथियों, 2014 के बाद से देश के गरीब, दलित, वंचित और आदिवासी परिवारों को सशक्त बनाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए हैं। झारखंड समेत देशभर के आदिवासी भाई बहनों के लिए पीएम जनमन योजना चलाई जा रही है। इस योजना के माध्यम से जनजातियों तक पहुंचने की कोशिश हो रही है जो बहुत पीछे हैं। ऐसे परिवारों को घर, सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा देने के लिए अधिकारी खुद उन तक पहुंचते हैं। ये प्रयास विकसित झारखंड के हमारे संकल्पों का हिस्सा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से संकल्प जरूर पूरे होंगे। हम झारखंड के सपनों को साकार करेंगे। इस कार्यक्रम के बाद मैं एक और विशाल जनसभा में भी जा रहा हूं। 5-10 मिनट में ही मैं वहां पहुंच जाऊंगा। वहां बहुत बड़ी संख्या में लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। वहां मैं विस्तार से झारखंड से जुड़े दूसरे विषयों पर भी बात करूंगा, लेकिन मैं झारखंड वासियों की क्षमा भी मांगता हूं, क्योंकि मैं रांची तो पहुंच गया लेकिन प्रकृति ने मेरा साथ नहीं दिया और इसलिए यहां से हेलीकॉप्टर। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने वंदे भारत को आज हरी झंडी दिखाई, जिसकी तस्वीरें और खुद संबोधन भी पीएम मोदी द्वारा किया गया है। और फिलहाल आज बारिश के चलते उनका ये दौरा रद्द हुआ है, लेकिन कार्यक्रम हो गया। झारखंड से बड़ी जानकारी, पीएम मोदी के जमशेदपुर कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी का जमशेदपुर में रोड शो रद्द कर दिया गया है। देखिए, भारी बारिश के चलते रोड शो को रद्द करना पड़ गया है और अब 1 बजे जमशेदपुर में पीएम जो है वो संबोधित करेंगे। सब बदलाव हुआ है, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या बारिश रुकेगी, और अगर बारिश रुकेगी तो फिर से रोड शो होगा या नहीं। फिलहाल 1 बजे समय निर्धारित किया गया है जब प्रधानमंत्री मोदी अपना संबोधन देंगे। रूपाल, बिल्कुल इसी के साथ झारखंड की अगर बात की जाए तो आज कार्यक्रम को लेकर काफी सारे बदलाव मौसम के कारण करने पड़े हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश के वहां पर चलते रोड शो को रद्द कर दिया गया है। और अब कहा जा रहा है कि हो सकता है 1 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर कार्यक्रम को संबोधित करें, लेकिन अभी फिलहाल बारिशों के सिलसिले के कारण ये पूरा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा है। और आपको बता दें, सुबह भी जब जमशेदपुर की अगर बात की जाए तो ये दौरा रद्द कर दिया गया था और उसके बाद
जहां पर वंदे भारत को हरी झंडी दिखानी थी तो वो ऑनलाइन जो है वो दिखाई गई। और पूरे तरीके से फिलहाल अगर जमशेदपुर की तस्वीरों की बात की जाए तो लोग जो है वहां पर आने वाले थे, लेकिन मौसम के चलते अब पूरा कार्यक्रम ठप होता हुआ नजर आ रहा है। जहां पर हो सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 बजे रोड शो करें या फिर संबोधन जो है वो दें, क्योंकि अभी भी भारी बारिश का सिलसिला झारखंड में जारी है। माननीय प्रधानमंत्री का जमशेदपुर दौरा आज देख सकते हैं आप, किस तरह से यहाँ लगातार जो बारिश हो रही है वो कार्यक्रम को काफी प्रभावित कर रही है। आपको बता दें कि यहाँ जमशेदपुर शहर में कल बीते रात से ही बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही है, वहीं यहाँ व्यवस्थाएं जो है चरमराती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि पूरा पंडाल जो है पानी से भरा हुआ है और यहाँ कई जो संयोजित तरीके से जो व्यवस्थाएं की गई थी उसमें काफ़ी बदलाव तत्काल में करने की आवश्यकता है और तत्काल में बदलाव में लोग जुटे हुए हैं। इस तरह से आपको बता दें कि भाजपा की ओर से ये रोड शो होने वाला जो कार्यक्रम था, रोड शो को भी स्थगित करने की सूचनाएं मिल रही हैं। बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा है और यहाँ आज भी 10 बजने को आया है लेकिन पूरा पंडाल जो है, जो गोपाल मैदान जो भीड़ से भरा होना चाहिए था, वो अब तक लगभग खाली पड़ा है। तो आपने सुना हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट, आपने देखी किस तरह से वहां पर बारिश जो है वो लगातार बनी हुई है और बारिश के चलते पहले से ही वहां पर जो मैदान है जहां पर ये रैली होनी थी वो पूरी तरह से पानी से भर गई है, चारों तरफ पानी नजर आ रहा है, जिसके चलते इस रोड शो को, इस संबोधन को फिलहाल वहां पर समय क्रम में बदलाव करना पड़ा। हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी भी इस वक्त तेजी से चल रही है, सभी राजनीतिक दल चुनाव की तैयारी में जुटे हुए हैं और हरियाणा का रण जहां पर सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपना अपना दावा जो है वो पेश कर दिया है। अमित शाह की रैली होनी है फरीदाबाद में 17 सितंबर को, ये बड़ी रैली होगी क्योंकि हरियाणा विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां हैं वो भी इस वक्त जोरों शोरों से चल रही हैं। कांग्रेस, बीजेपी और जो हरियाणा के क्षेत्रीय दल हैं वो भी इस बार अपने वोट शेयर को बढ़ाने के लिए या अपनी जमीन को थोड़ा सा फैलाने के लिए अपने इस कोशिश में लगे हुए हैं। बिल्कुल, इसी के साथ जहां पर कल हरियाणा के कुरुक्षेत्र की बात की जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा रैली की गई, तो इसी में अब गृह मंत्री अमित शाह जो है रैली करने आ रहे हैं। जहां पर आपको बता दें फरीदाबाद में 17 सितंबर को बड़ी रैली जो है गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, मैं अब बोलूंगी अकेले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, खबरों में आगे बढ़ेंगे लेकिन उससे पहले आपको सीधे उत्तराखंड के हरिद्वार लिए चलेंगे जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त संबोधन कर रहे हैं। सुनिए। संस्कृत भारतीय अखिल भारतीय उपवेश में उत्तराखंड देवभूमि सर्वेषां स्वागतम अभिनंदनम। संस्कृत भारती द्वारा आयोजित अखिल भारतीय संगोष्ठी गोष्ठी के शुभारंभ सत्र पर मंच पर आसीन अभी जिनका हम सब लोगों ने बहुत ही सारगर्भित और ओजस्वी उद्बोधन सुना, पूज्य स्वामी चिदानंद जी महाराज अध्यक्ष अखिल भारतीय संस्कृत भारती प्रोफेसर गोपबंधु मिश्र जी, अध्यक्ष श्री काशीमठ संस्थान न्यास वाराणसी श्री के निवास श्रीनिवास प्रभु जी, और जिन्होंने संस्कृत को जन जन की भाषा बनाने के लिए लगातार जो एक तपस्वी की तरह पिछले अनेक वर्षों से, 2 दशक से भी ज़्यादा समय से अखिल भारतीय संगठन मंत्री संस्कृत भारती के नाते पूरे देश का प्रवास कर रहे हैं, जगह जगह संस्कृत का प्रचार प्रसार हो, जन जन की भाषा संस्कृत बने, उसके लिए जिनका प्रयास हम सब लोगों ने अभी सुना जब वो बोल रहे थे,
आदरणीय श्री दिनेश कामत जी, संस्कृत भारती की उत्तरांचल की अध्यक्ष श्रीमती जानकी त्रिपाठी जी, सत्यनारायण भट्ट जी, दीपक कुमार जी और हमारे सभी आए हुए सभी विद्वानगण। मुझे बताया गया कि पूरे देश भर के अनेक अनेक विद्वान, अनेक अनेक विश्वविद्यालय के कुलपतिगण, अनेक प्रतिनिधिगण यहाँ उपस्थित हैं। मैं आप सबका देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर इस बहुत ही पूज्य कार्यक्रम में यहाँ आप सब सम्मिलित हुए हैं और श्रीमद् सुधेंद्र तीर्थ स्वामी जी की जन्म शताब्दी समारोह भी यहाँ पर हो रहा है। आप सबका मैं अपनी तरफ से देवभूमि उत्तराखंड पधारने पर हृदय से स्वागत करता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ, आप सबको प्रणाम करता हूँ। बेहतर होता कि अभी जैसा आदरणीय कामत जी ने कहा कि संस्कृत में संवाद करना है, आगे मैं भी प्रयास करूँगा कि लेकिन मैं स्वयं को संस्कृत में संवाद कर पाने में असमर्थ पाता हूँ, इसलिए मैं हिंदी में ही आप सबके बीच अपने विचार रखना चाहूँगा। भाइयों बहनों, आप सभी संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार के लिए, योजना बनाने के लिए जिस देवभूमि में आप सब पधारे हैं, आपके हर्ष एवं गौरव की अनुभूति के लिए मैं आप सबको बताना चाहूँगा। वैसे उद्घोषक महोदय ने पहले भी बताया, कामत जी ने भी बताया कि देवबाणी संस्कृत देवभूमि उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा है। दूसरी राजभाषा है, जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, कि संस्कृत भाषा अन्य भाषाओं की तरह केवल अभिव्यक्ति का साधन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के संपूर्ण विकास की कुंजी है। अगर मनुष्य का संपूर्ण विकास किसी भाषा के साथ। पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री इस वक्त हरिद्वार से लाइव संबोधन कर रहे थे और अपनी सरकार की उपलब्धियों को लेकर और बाकी अन्य जो चीजें हैं उनको लेकर भी उन्होंने अपनी मुख्य बातें सामने रखी। तो चलिए अब जरा बात करेंगे जम्मू कश्मीर विधानसभा तैयारियों को लेकर। जम्मू इस सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं, ये बड़ी अपडेट इस वक्त आ रही है और बीजेपी ने युधवीर सेठी चुनाव मैदान में उतारा है। पूर्व मंत्री योगेश साहनी कांग्रेस प्रत्याशी भी रण में हैं और देखिए किस तरह से ये रण जो है और भी दिलचस्प हो रहा है, ये जंग का मैदान दिलचस्प हो रहा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर इस वक्त बड़ी अपडेट, जम्मू इस सीट पर 8 प्रत्याशी मैदान में हैं और बीजेपी से युधवीर सेठी चुनाव मैदान में उतारे गए हैं और पूर्व मंत्री साहनी जो है उन्हें कांग्रेस की तरफ से टिकट दिया गया है। टिकट ना मिलने से नाराज चंद्रमोहन शर्मा भी अपने किस्मत आजमा रहे हैं और देखिए जो जिन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिला है वो कहीं ना कहीं निर्दलीय तौर पर इन सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और ये बड़ा ही दिलचस्प चुनाव होते जा रहा है 2014 के बाद अब 2024 में। तो आपको बता दें जो तमाम उम्मीदवार हैं वो कौन कौन हैं और किस तरह से पीछे जो जीते हुए हैं उनके नाम भी बताएंगे। राजेश गुप्ता जी जमुई से जीते हुए हैं और अशोक कुमार खजूरिया जी जो जीते हुए हैं पहले पिछले चुनाव में और उनके खिलाफ थे नरेंद्र सिंह जो दूसरे नंबर पर रहे थे, योगेश कुमार साहनी जिन्होंने जीत हासिल की थी 2002 में और अशोक कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे 2002 के चुनाव की बात है। 1998 में अशोक कुमार ने जमुई से जीत हासिल की थी और वेद कुमार दूसरे नंबर पर रहे थे। जम्मू कश्मीर के अंदर 1996 के चुनाव में वेद वैष्णो दत्त और उनके सामने रमन भल्ला दूसरे नंबर पर रहे थे। तो गेम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रहा है, इसी पर बातचीत करेंगे हमारे साथ इस वक्त न्यूज रूम में वरिष्ठ पत्रकार और हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जी जुड़ चुके हैं। मैं सीधे उन्हीं के पास जाकर इस पूरे समीकरण को लेकर बातचीत करेंगे। विनोद जी बहुत बहुत स्वागत और बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। क्या किस तरह से आप इस सीट को देखते हैं क्योंकि जो अभी बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार हैं, बीजेपी अपना डंका बजा रही है पिछले 10 साल की उपलब्धियों को लेकर, लेकिन कांग्रेस भी इस बार अजीब तरीके से जो पुराने चेहरे हैं उनको उतारा जा रहा है और उन्हीं पर विश्वास जताया जा रहा है।
तो क्या लगता है कैसा मुकाबला रहने वाला है? बिल्कुल शीतल, आपने ठीक कहा। जब 2022 में डिलिमिटेशन कमीशन ने अपनी रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद इस कॉन्स्टिट्यूएंसी को भी रीडिजाइन किया गया है। हालांकि ये जम्मू ईस्ट को गढ़ माना जाता है, भारतीय जनता पार्टी का इसमें कोई दोराय नहीं है, और बीजेपी की ओर से युद्धवीर सेठी एक प्रत्याशी है और उनकी वाइफ पहले यहाँ से नॉमिनेट की गई थी और जीती नहीं थी, राजेश गुप्ता जीते थे 2014 में। तो नॉमिनेटेड महिला को मंत्री भी बनाया गया था, यानी परिवार से एक मंत्री भी है और युद्धवीर सेठी की अपनी भी बेटी, लेकिन तब भी इतना आसान नहीं माना जा रहा। ठीक, हम 2002 के आंकड़े देखते हैं शीतल। 2002 में योगेश सानी जीते थे, जो मैंने पहले आपको बताया कि ईस्ट गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन योगेश सानी और ओम प्रकाश जी दो ऐसे कांग्रेस के लोग हैं जो वहाँ से जीत करके आए हैं। और इस बार भी मुकाबला जो है, चंद्रमोहन शर्मा बीच में एक ऐसी फास है दोनों के लिए। चंद्रमोहन शर्मा बड़े सीनियर भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उन्होंने इमरजेंसी के दौरान जब आपातकालीन लगा था शीतल, उस दौरान वो जेल भी काटी है, बहुत सारे आंदोलन में 2008 में भी उनको बड़ी मार खाना पड़ा, यानी अभी तक लास्ट मोमेंट वो चाहते थे कि इससे उनको टिकट मिल जाए, जब टिकट कटी तो वो नाराज होकर थे, वो भी मैदान में। वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि वो तभी बचाओ आंदोलन में मूलता से काम कर रहे थे, सक्रिय मतलब वो खेल बिगाड़ सकते हैं। मुझे ये लगता है वही एक फास बनी हुई है। और वैसे भी अगर 2002 की बात करें, जब कांग्रेस का प्रत्याशी यानी गढ़ से भाजपा के गढ़ से सीट लेके गया था, छीन के गया था, तो तब भी यही हुआ था कि एक जम्मू स्टेट मोर्चा गठित किया गया था जिसको राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का भी सपोर्ट था। ये स्टेट मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के दो प्रत्याशी थे, बीच में से योगेश सानी जीत गए थे। अब भी अगर ऐसा ही रहता है तो कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन कांग्रेस भी मजबूती पेश कर रही है और कांग्रेस ने पुराने चेहरों पर ही दाव लगाया है, तो क्या लगता है कितनी कड़ी फाइट है कांग्रेस यहाँ से, कितना यहाँ से जो है वो परिवर्तन कर सकती है वोट शेयर में खासतौर पर? शीतल, बड़ी दिलचस्प बात है, मैं रूपाली को भी बताऊंगा। पहले ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी थी, आपको गाड़ी लेने की जरूरत नहीं, आप ऊपर से चले पैदल, कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म, यानी घर घर गए आप, सबका प्रचार किया एकदम से, यानी आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी को 20 बार चला सकते थे, यानी ऊपर से पंचतीर्थ से शुरू हुए नीचे आकर के विक्रम चौक तक कॉन्स्टिट्यूएंसी खत्म। अब ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जगती भी इसमें आ गया है, उस तरफ से सिदड़ा सारा आ गया है, 1,07,000 वोटर है इसमें, तो कहीं ना कहीं जो धार्मिक समीकरण है, जातीय समीकरण है, वो भी एक बड़ा इम्पैक्ट है। इसलिए बार बार मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हल्के में ना ले, या फिर जो बाकी प्रत्याशी हैं वो उनको कम आंका नहीं जा सकता। टोटल 8 कैंडिडेट हैं जिसमें बीजेपी पीडीपी का भी प्रमुखता से वो एडवोकेट हैं, वो प्रमुखता से चुनाव लड़ रहे हैं, बड़े तरीके से प्रचार भी कर रहे हैं, तो इसलिए आसान नहीं समझा जा सकता। बिल्कुल विनोद जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, पीएम मोदी ने अभी अभी दौरा किया है, डोडा के अंदर एक विशाल जनसभा को संबोधित किया और सबसे ज़्यादा विनोद जी उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, नेशनल कॉन्फ्रेंस, परिवारवाद का मुद्दा जो है वो एक बार फिर से प्रमुखता से उन्होंने उठाया है, यानी 2014 में जो सबसे प्रमुख मुद्दा था। क्या लगता है यहाँ से कांग्रेस जरूर बैकफुट पर देखने को मिल सकती है? पहले तो घोषणा पत्र को लेकर, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस का घोषणा पत्र है उसको लेकर कांग्रेस घेरे में है, और अब जब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि यह शाही खानदान है, ये भ्रष्टाचार खानदान है, तो इसका कितना असर जमीन पर देखने को मिल सकता है? शीतल, अगर यही चीजें देखी जाए तो 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किश्तवाड़ में जो रैली कही की थी, उसमें सेम लाइन को टो किया गया था और कहा गया था कि ये बाप बेटी, बाप बेटे की सरकार, ये भ्रष्ट लोग हैं, और इसके साथ ही गांधी परिवार को भी उन्होंने लपेटे में लिया। और उस दौरान हमने देखा था अनएक्सपेक्टेड से रूपाली रिजल्ट आए थे, जिसमें हम कभी कल्पना नहीं कर सकते कि भद्रवाह से हम जीत सकते हैं, डोडा से हम जीत सकते हैं, किश्तवाड़ से सुरेल जीत सकते हैं, ऐसी हमने कल्पना नहीं की थी। अगर वो इम्पैक्ट छोड़ देते हैं तो मुझे लगता है कि इस चुनाव रैली की जो 8 सीटें हैं, जिसमें हम उसको भी ले लेते हैं, रामबन को भी ले लेते हैं, किश्तवाड़ को भी और डोडा को भी, इसका इम्पैक्ट वहाँ पर पड़ सकता है। जम्मू संभाग में क्या बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला कांग्रेस से है?
और जो अभी शब्दावली प्रयोग हुई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, जो उन्होंने बयान दिया है, उससे सीधे सीधे अंदाज़ा लगाया जा सकते हैं कि सीधे बीजेपी के सामने कांग्रेस है और कांग्रेस ही चुनौती दे सकती है जम्मू संभाग के। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक ये कहते हैं कि कुछ जगहों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी भी इम्पैक्ट डाल सकती है, जिसे हम बात कर सकते हैं पीर पंचाल होगा या चुनाव वैली होगा वहाँ पे उनका। लेकिन उनका मानना है कि 43 सीटों में से ज़्यादातर सीटों में डायरेक्ट मुकाबला जो है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है, और शायद यही कारण है, आपने कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन में देखा होगा कि उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की आड़ में कांग्रेस को घसीटा है, कांग्रेस पर वार किए हैं और लगातार निरंतर वार किए हैं, और ये सोचकर कि जम्मू प्रोविंस में हमारा स्टेक है यानी भारतीय जनता पार्टी का स्टेक है और डायरेक्ट कांग्रेस से उनकी फाइट है, और इसलिए उन्होंने कांग्रेस को कटघरे में निरंतर बार बार घेरा। बिल्कुल, देखिए विनोद जी, पहले जब मैनिफेस्टो नेशनल कॉन्फ्रेंस का आया और उसके बाद बीजेपी ने आड़े हाथों कांग्रेस को भी लिया इस मैनिफेस्टो के जरिए, उनके जो प्रमुख पांच मुद्दे हैं, चाहे वो पाकिस्तान से बातचीत हो, धारा 370 की वापसी हो, पीएसए को हटाना हो, ये तमाम जो प्रमुख मुद्दे एनसीके उसमें रहे हैं, अभी तक कांग्रेस का घोषणा पत्र निकल कर नहीं आया है। तो क्या कांग्रेस बचने का रास्ता ढूंढ रही है, क्या कांग्रेस की तरफ से बीच का रास्ता निकाला जा रहा है ताकि उनका मैनिफेस्टो अभी तक जो है वो सामने नहीं आ पाए? लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने कुछ पांच गारंटीज दी हैं, उस पर वो काम कर रहे हैं, लेकिन जो मौन समर्थन दिया गया है कांग्रेस का नेशनल कॉन्फ्रेंस के मैनिफेस्टो को, वो एक घातक साबित हो सकता है किसी हद तक, मैं आपको बता दूं, क्योंकि इतनी खामोशी, क्लियर स्टैंड कर देना था, क्योंकि बार बार भारतीय जनता पार्टी ने इनको कटघरे में घेरा है कि आपको स्पष्ट करना होगा 370 और 35A को लेकर के आपका रुख क्या है, बार बार ये कहा है कि आपको स्पष्ट करना होगा पाकिस्तान से आप बातचीत चाहते हो या नहीं चाहते हो, और यहाँ फिर जो हमने 370 हटा करके या 370 में संशोधन कर करके 35A हटा करके जिन लोगों को आरक्षण दिया है, जिनको फ़ायदे दिए हैं, वेस्ट पाकिस्तान रिफ्यूजी गोरखा बरादरी या फिर बाजीगर बरादरी या फिर वाल्मीकि समाज, क्या आप वो नहीं चाहते हो? तो इस तरह से मौन समर्थन कहीं ना कहीं नुकसान कांग्रेस को। बिल्कुल विनोद जी, देखिए आप लंबे समय से राजनीति को देख रहे हैं, जांच रहे हैं, जमीन पर जा रहे हैं, पूरा विश्लेषण कर रहे हैं, लोगों की राय जानते हैं। 2014 और 2024 अंतर तो है दोनों चुनावों में, लेकिन बीजेपी जो कह रही है कि इस बार हिंदू चेहरा सीएम बनेगा, बीजेपी का सीएम बनेगा, ये तमाम जो चीज़ें बीजेपी की तरफ से रखी जा रही हैं, क्या ये जम्मू कश्मीर की सियासत में मुमकिन है, जम्मू कश्मीर में मुमकिन है? और अगर अभी के समीकरण देखे जाएं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या ये चीज़ें बीजेपी के लिए इतनी आसान हैं, हालांकि सभी सीटों पर वो चुनाव नहीं लड़ दी? जी देखिए शीतल, मुझे तो 1996 से मैं ये चुनाव कवर कर रहा हूँ बतौर जर्नलिस्ट। बिल्कुल, तो जो ये कह रहे हैं कि जम्मू का सीएम होगा या फिर भाजपा अपने बूते सरकार बना पाएगी, ये नामुमकिन सी बात है, डाइजेस्ट होने वाली बात नहीं है। उसकी वजह आप भी जानते हैं कि किस तरीके से अभी कश्मीर में भारतीय जनता का बेस जो है शून्य के बराबर है, और अगर हम बात करें पीर पंचाल और खित्ता चुनाव की, वहाँ पर भी मुस्लिम बहुल एरियाज हैं, बहुत ज़्यादा सीट्स हैं जो मुस्लिम डोमिनेटेड हैं। तो ऐसे में ये कह पाना कि 50 पार कर रहे हैं, ये काल्पनिक बातें हैं, जैसे 400 पार का नारा लोकसभा में दिया गया था वैसा ही मुझे लगता है। हाँ, इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि हालात ऐसे बन सकते हैं, रूपाली और शीतल दोनों को बता सकता हूँ, कि कोई भी गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी तो बीजेपी उसका हिस्सा हो सकता है। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी विनोद कुमार जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने सब जानकारी दी, बारीकी से तमाम अपनी बातें रखी, और जब 1996 के चुनाव हुए थे तो उस समय से विनोद जी ने इन चुनाव को नज़दीक से देखा और नज़दीक से भापा, और आज तक ये करते आ रहे हैं। जो अभी समीकरण बन रहे हैं वो 8 अक्टूबर को परिणाम क्या लेकर आएंगे वो बड़ा सवाल है। तो फिलहाल बाढ़ बारिश ने इस वक्त पूरे देश के अंदर कोहराम मचा रखा है, झारखंड में भी आंधी तूफान से हालत पूरी तरह से खराब नजर आ रही है, लातेहार में बस स्टैंड समेत अन्य जगहों पर भारी नुकसान हुआ है, लगभग 50 लाख रुपए का ये नुकसान जो है वो बताया जा रहा है अभी तक जो आकलन हुआ है। हालांकि अभी भी बारिश जारी है और मौसम विभाग की तरफ से पहले ही अलर्ट कर दिया गया है कि अगले कई दिनों तक बारिश इसी तरह से निरंतर जारी रहेगी, और अगर बारिश इसी तरह से पड़ती रहेगी तो जाहिर सी बात है आसपास के इलाके पानी से भर जाएंगे, जो पानी के सोर्सेज हैं, जो स्रोत हैं, नदियां हैं, नाले हैं, वो पूरी तरह से उफान पर हो जाएंगे और उसका पानी जो है वो पूरी तरह से डाइवर्ट होकर या तो घरों में घुसेगा
या फिर सड़कों का रुख करेगा। रवि कुमार गुप्ता हमारे संवाददाता लातेहार से इस वक्त जुड़ चुके हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? अभी ऐसे बताया जा रहा है कि बारिश जो है वो काफी ज्यादा हुई है और नुकसान भी देखने को मिल रहा है। जी शीतल, बता दें कि आज अहले सुबह लातेहार जिले के परवाड़ी में तेज तूफान का रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां दर्जनों से अधिक पेड़ जमींदोज हो गए हैं। वहीं इस पेड़ की चपेट में आने से लगभग एक दर्जन से अधिक दो पहिया वाहन उनके चपेट में आ गए, जिससे काफी नुकसान हुआ है। वहीं दूसरी ओर अगर कहे तो आरपीएफ का जो बैरक है, बैरक के पास दर्जनों पेड़ गिर गए, जिससे बाउंड्री वॉल समेत अन्य चीज जो है वो भी जमींदोज हो गए और आवागमन बाधित हो गई है। दूसरी तरफ अगर कहे तो बाढ़ आने से आवागमन छिपादोहर और बरवाड़ी का जो है वो ठप हो गया है। वहीं इसके अलावा अगर बात करें हम तो अहले सुबह बरवाड़ी जंक्शन से जीडीआर ट्रेन जो है वो निकलती है, वो बारिश के कारण, पेड़ गिरने के कारण और वहाँ जो कैंटीन है वो उड़ने के कारण उसको भी रोक दी गई। उसके अलावा मालगाड़ी और पलामू एक्सप्रेस जो ट्रेनें हैं उनको भी डाल्टनगंज स्टेशन पर स्टॉपेज किया गया। इस बारिश में अगर कहे तो 50 लाख से अधिक रुपए की नुकसान हुई है और दूसरी ओर कहे तो स्थानीय प्रशासन की ओर से मदद लेकर आगे आए हैं और धीरे धीरे उस मलबे को हटाने का कार्य किया जा रहा है। जी शीतल, बिल्कुल। रवि देखिए, अभी तो इतना नुकसान हुआ है लेकिन अभी आगे इतना नुकसान ना हो उसके लिए प्रशासन की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं और क्या गाइडलाइन लोगों के लिए जारी की गई है ताकि लोगों को नुकसान ना हो? जी, स्थानीय प्रशासन अंचलाधिकारी मनोज कुमार के द्वारा निर्देशन है या जो बारिश हो रही है उससे आपको बचने की जरूरत है, नदी किनारे वाले हिस्से में आप ना जाएं ताकि आपको नुकसान ना हो, उसको लेकर लगातार अंचलाधिकारी मनोज कुमार अपील करते दिख रहे हैं और उन्होंने इसके पहले भी कल भी अपील की है कि आप इससे बचे ताकि ये तेज रफ्तार का कहर आपके उसके चपेट में ना आए। ठीक है, शुक्रिया रवि, शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। दिल्ली से बड़ी खबर, पार्टी दफ्तर पहुंचे केजरीवाल। देखिए अरविंद केजरीवाल जवान, केजरीवाल का संबोधन भी देखने को मिल सकता है, पार्टी कार्यकर्ताओं को वो संबोधित करेंगे और अभी मनीष सिसोदिया संबोधित कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया के बाद खुद अरविंद केजरीवाल संबोधित करेंगे और जब अंतिम बार उन्होंने संबोधन दिया था 2 जून को, दोबारा से जेल में चले गए थे, उन्हें जमानत मिली थी, अंतरिम जमानत मिली थी लोकसभा चुनाव के लिए, उसके बाद उन्होंने फिर से सरेंडर किया था और वो जेल में चले गए थे। उसके बाद ईडी केस में उन्हें जमानत मिल गई और ईडी के बाद उन्हें सीबीआई केस में भी जमानत मिल गई। 6,000 करोड़ रुपए मिलते थे दिल्ली सरकार को एक्साइज डिपार्टमेंट से, लेकिन नई पॉलिसी में 9,000 करोड़ रुपए कम से कम मिलने की गारंटी हो गई थी। और ये कहते हैं अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार कर दिया, मनीष सिसोदिया ने भ्रष्टाचार कर दिया। ये भारतीय जनता पार्टी का इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा झूठ। अगर हम कहते हैं, अभी संदीप भाई कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी इस देश के सबसे बड़े राजनीतिक संकट से जूझ रही थी, जितना कोई पार्टी कभी नहीं जूझी, तो मैं ये भी कहूंगा कि इसके लिए भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा राजनीतिक कुचक्र रच रही थी कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को और उसकी टीम को जेल में डालो और पार्टी को खत्म कर दो। लेकिन कहते हैं, वो कहते हैं सत्य ईश्वर है, ईश्वर सत्य है। अगर आप सत्य हो, अगर आप सच्चाई के रास्ते पर चल रहे हो तो आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो, और जब आप ईश्वर के रास्ते पर चल रहे हो तो ताकत ईश्वर की आपके साथ होती है। आज ईश्वर की ताकत अरविंद केजरीवाल जी के साथ है, हम सबके साथ है। इन सब ने, भारतीय जनता पार्टी वालों ने शराब घोटाला नाम की एक मनोहर कहानी लिखी थी, उस मनोहर कहानी का आखिरी फुल स्टॉप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में ने अरविंद केजरीवाल जी को जमानत देते हुए लगा दिया। वो कहानी अब खत्म हो गई। हमारे लिए सुख है, हैप्पी एंडिंग है, बीजेपी के लिए सैड एंडिंग है, क्योंकि उनको लग रहा था दिल्ली के चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल जी को बाहर नहीं आने देंगे, मनीष सिसोदिया संजय सिंह को बाहर नहीं आने देंगे। लेकिन भगवान है, आपकी झूठी कहानियां, झूठी मनोहर कहानियां कोर्ट में झूठी साबित हो गई और आज अरविंद केजरीवाल जी भी बाहर हैं, मैं भी बाहर हूं, संजय सिंह भी बाहर है और आम आदमी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में जोश है। ये बहुत सुखद मौका है हम सबके लिए, हम सबके बीच में, कि आज एक बार फिर हम यहां बैठे हैं, अपने नए पार्टी ऑफिस में बैठे हैं। आज से एक नई यात्रा आम आदमी पार्टी शुरू करेगी, उसी ईमानदारी की लड़ाई की जिसके लिए लड़ने आए थे, उसी देशभक्ति की लड़ाई की जिसके लिए लड़ने आए थे,
उसी ईमानदारी वाली सरकार की जिसके लिए लड़ने आए थे, आज से एक नई यात्रा यहां से शुरू करेगी। और मैं उम्मीद करता हूं कि आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक साथी इसमें कदम से कदम मिलाते हुए अरविंद केजरीवाल जी के साथ चलेगा, हम सबके साथ चलेगा। मैं एक छोटा सा आदमी गांव में, मेरा गांव है उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले में, अभी हापुड़ पहले गाजियाबाद होता था। मेरे फादर टीचर थे, गांव में मैंने पढ़ाई की। दूर दूर तक कभी नहीं सोचता था कि कभी राजनीति में जाऊंगा। राजनीति में जाऊंगा तो छोड़ दो, मुझे याद है हमारे गांव में कोई नेता भी आता था तो हमें लगता था क्या हो गया, ये तो बड़ा आदमी कोई आ गया, वैसी जिंदगी जी रहे थे। वहां से स्कूलिंग करने के बाद जब दिल्ली आया तो पत्रकारिता करने आया था, रेडियो में काम किया, टीवी में काम किया, लेकिन तब भी नहीं सोचा था कि कभी राजनीति में आएंगे या सरकार में आएंगे, मंत्री उप मुख्यमंत्री बनेंगे।